नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जो अयोध्या में 11 नवंबर यानी कि शनिवार को सातवीं बार दीपोत्सव होगा। राम की पौड़ी के 51 घंटों पर वहां पर बताया जा रहा है 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इनमें से 21 लाख दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा और पिछली बार सरयू तट पर 15,76,000 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दीपोत्सव से पहले भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के स्वरूप पुष्पक विमान से रामकथा पार्क में उतरेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। वो फूल बरसा करके उन सभी का स्वागत करेंगे, उनकी आरती भी करेंगे। लाइट और साउंड शो के जरिए रामायण पर आधारित प्रसंग दिखाए जाएंगे। राम की पौड़ी पर 260 फीट के स्क्रीन पर लाइट और साउंड शो के जरिए रामायण का आधारित प्रसंग दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में जिला कारागार में दीपावली त्योहार से पूर्व जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों ने मिट्टी के दीपक और कुल्हड़ बनाए हैं, जिनको लेकर के जेल के बाहर लगाकर बेचा जा रहा है। प्रभारी जेल अधीक्षक ने आम जन से अपील की है कि इन्हें खरीदे, जिससे बंदियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं बंदियों ने कुल्हड़ और दीपक बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। जेल प्रशासन भी इन्हीं दीपकों से दीपावली पर कारागार को रोशन करेगा। कैदियों को अपराध से विमुख रखने के लिए योजना चलाई गई है, ताकि जेल के बाहर जाकर भी वो अपराध से ना जुड़ा। तो वन जेल वन प्रोडक्ट योजना के तहत कैदियों को यहाँ प्रशिक्षण हम लोगों ने दिलवाया है चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो उसमें पहले चार कैदियों को प्रशिक्षण दिलवाया था, उन्होंने बाकी के कैदियों को दिया। तो दीपक बनाए गए हैं, करीब 20,000 से ज़्यादा दीपक बनाए जा चुके हैं और करीब 20,000 ही बनने की प्रक्रिया में है। तो उनको सबको स्टॉल वॉल लगवाया गया है और आम जनता से अपील की गई है कि उनको खरीदें, तो जो पैसा आएगा वो सब उन बंदियों में जिन्होंने बनाया उनमें वितरित किया जाएगा, ताकि वो उसका उपयोग अपने परिवार के हित में कर सकें, अपने वकील को दे सकें, अपनी पैरवी में कर सकें और अपने जीवन को सुधार सकें, कारागार के बाहर जाकर किसी अपराध में संलग्न ना हो। आपसी कलेश के चलते दो बच्चों की मां ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतका महिला के पति ने कहा है कि भाई और भाभी महिला को तंग करते थे, जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना शेरकोट के मोहल्ला नौधना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर अब पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुकी है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर क्यों महिला ने खुदकुशी जैसी चीज को अपनाई। वही अगली खबर बिजनौर से आ रही है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर युवक का शव मिला है। घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। थाना स्योहरा के गाँव कूला सागर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पार्क में बब्बर शेर नहीं बल्कि जेनिफर ने दम तोड़ दिया है। सफारी पार्क की निदेशक डॉक्टर दीक्षा भंडारी ने बब्बर शेर ने जेनिफर की मौत की पुष्टि करते हुए ये जानकारी साझा की है। सफारी पार्क के निदेशक दीक्षा भंडारी ने बताया कि सफारी पार्क में शेरनी जेनिफर को गुजरात के जूनागढ़ से 23 सितंबर 2019 को इटावा सफारी पार्क लाया गया था। शेरनी जेनिफर का जन्म शक्करबाग प्राणी उद्यान जूनागढ़ गुजरात में 21 मई 2012 को हुआ था। इटावा सफारी पार्क में जेनिफर ने बब्बर शेर मनन के द्वारा गर्भधारण करने के बाद 15 अप्रैल 2020 को एक शावक केसरी और 10 अगस्त 2022 को दूसरे शावक अपूर्व को जन्म दिया था। बब्बर शेर ने जेनिफर 6 तारीख को कोविड से ग्रसित हो गई थी, जिसका उपचार पार्क के पशु चिकित्सकों ने किया। संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर किया गया और 3 महीने के उपचार के उपरांत शेरनी जेनिफर का स्वास्थ्य ठीक भी हो गया, लेकिन अचानक से जेनिफर कोविड की चपेट में आ गई, जिसके बाद किडनी खराब हो गई और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई।
बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी बब्बर शेरनी, जिसका नाम जेनिफर था, वो आज 10/11/2023 को सुबह 8:30 लगभग कार्डियक अरेस्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। विगत कई दिवसों से जो जेनिफर थी वो बीमार चल रही थी, और ये हमारी क्योंकि कोविड रिकवर्ड शेरनी थी, तो जिस समय इसको कोविड हुआ था मई 2021 में, उस समय भी इसको बड़ी ही मुश्किलों से बचाया गया, क्योंकि इसकी किडनी जो थी वो उसके असर में आ गई, कोविड के असर में। फिर उसके बाद ये 2021 के बाद कोविड रिकवर होने के बाद भी इसके किडनी रिलेटेड इश्यूज बने रहे 2021 में। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दो अलग अलग सड़क पर हादसों में बाइक सवार दो महिलाओं समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सभी के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पहला हादसा हरदोई सीतापुर रोड पर थाना बेनीगंज के बरगदिया बॉर्डर के पास हुआ। वहीं जहां तेज रफ्तार वाहन से बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें जो बाइक चला रहा था सूरज, उसकी भी मृत्यु हो गई है। साथ ही और भी लोगों की मृत्यु हुई है। रोडवेज और बस की बताया जा रहा है, जो वहां पर बाइक था, इन सब की अचानक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। ये बेनीगंज थाना क्षेत्र में मिश्रित के रहने वाले एक युवक और दो महिला एक ही बाइक से सीतापुर की तरफ जा रहे थे, अज्ञात वाहन के टक्कर में उनकी मृत्यु हो गई। और लोनार थाना क्षेत्र में 3 युवक एक बाइक से जा रहे थे, जिसमें नटौरा पुल के पास एक रोडवेज के टक्कर में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको CHC 52 ले आया गया, जहां पे उनको ब्रांड डेड घोषित कर दिया गया है। और इनकी पहचान नटौरा के और लोनार के युवक हैं, और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। तकनीक बेमिसाल, 3 साल शानदार, खबरों की रफ्तार जिससे है आपका सरोकार, अनुभव का साथ, पक्की खबर, सही खबर, खबरें जो बनती है आपकी पावर, देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण, और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हां, हमने न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है। हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं, हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद, तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। खबरों पे आगे बढ़ेंगे, जो अगली खबर प्रयागराज से आ रही है। दरअसल जिले में धनतेरस, दीपावली त्योहारों पर बाजारों में लगने वाले दुकानों, शॉपिंग मॉल पर भीड़ को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ गश्त किया गया। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया, भयमुक्त होकर के बाजारों में खरीदारी करने का आश्वासन दिया गया। पूरे दिन रात गश्त और फ्लैग मार्च किया गया, जिससे लोग भयमुक्त होकर के बाजारों में जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए, जिसमें सुरक्षा में तैनात रहे पुलिस आयुक्त प्रयागराज, पुलिस उपायुक्त नगर और सहायक पुलिस आयुक्त, सभी लोग वहां पर मौजूद रहे।
पौड़ी जिले के शहर में आगामी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर के कोतवाली पौड़ी में व्यापार सभा और व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी पौड़ी स्मृति परमान, सीओ सदर पौड़ी श्याम दत्त नौटियाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोविंद कुमार, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गौरव और मशीन, ये सभी लोग मौजूद रहे। त्योहारों में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर जहां दीपावली में पटाखों की दुकानें रामलीला ग्राउंड में लगवाने के लिए स्टॉलों की व्यवस्था के साथ साथ स्टॉलों के अंदर पाले से बचाव के लिए संचालित व्यवस्था का भी पूरा जायजा लिया गया। फायर इक्विपमेंट्स, रेत पानी की व्यवस्था के साथ ही फायर टेंडर लगवाए जाने की भी बातें हुई। ये व्यापार मंडल के दिवाली को उपलक्ष्य में पटाखों की दुकान को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी आज कोतवाली परिसर पौड़ी में। इसमें एसडीएम मैडम भी थी और यह सारी चीज़ें जो है डिसाइड हुआ है कि दुकानें अपने दुकानों में नहीं बेचेंगे, सभी को एक जगह सुनिश्चित की जाएगी। उसमें नगर पालिका के जो साहब भी थे, तो ये डिसाइड हुआ है कि नगर पालिका द्वारा जो है दुकानें बनाई जाएंगी रामला मैदान में, और जितने भी लाइसेंसधारी जो लाइसेंस होंगे लगभग 50 के आसपास बता रहे हैं। वही अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कामयाबी, गंगा सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना गंगा स्वच्छता को लेकर के उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने हरकी पौड़ी घंटा घर पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए थे। इनके साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कोई भी सामग्री गंगा के घाटों पर और गंगा में ना विसर्जित करें, जिससे गंगा प्रदूषित हो। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जल्द ही गंगा घाटों के किनारे श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन के माध्यम से बैनर पोस्टर भी लगवाने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। मोदी जी देखो, निश्चित रूप से ऐसे अभियानों का प्रभाव पड़ता है और हम लोगों ने जो है सरकारी डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो यहाँ हरकी पौड़ी का हम काम देखते हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि हम हरकी पौड़ी को जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराते हैं वर्ष भर। अब हमारा जैसे क्लोजर शुरू हुआ तो बहुत सारे रिपेयर वर्क जो हमने प्लान किए थे वो सारे पूरे कर दिए गए। इसके अलावा जो अनप्लान्ड वर्क थे, बहुत सारी गंदगी किनारों पर जमा थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा सोचा कि एक अभियान अपने सिंचाई विभाग का जो पूरा परिवार है वो आए। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में करोड़ों की चोरी हुई है, जिसके बाद से कोटद्वार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। कोटद्वार के सभी ज्वेलर्स के पास जाकर पुलिस उनको सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दे रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसकी तुरंत कोटद्वार थाने में सूचना दी जाए, सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाए कि वो चालू है या सिर्फ शो पीस के लिए रखी हुई है। वही दुकानदार का कहना है कि जिस तरह से देहरादून में घटना हुई है, उसके बाद से कोटद्वार पुलिस ने सभी ज्वेलर्स की शॉप पर जाकर सावधानी पूर्वक रहने की बात कही है और ग्राहक भी सावधानी पूर्वक सामान ले जाएं, इसकी भी अपील की गई है। हमारी जो जितने भी ज्वेलरी शॉप है उसमें भी पुलिस जा रही है, रेगुलर सबको बता रही है कि मतलब पुलिस से टच में भी रह रहे हैं, और साथ में जगह जगह गश्त लगाई गई है। और ये भी मैम के निर्देश है कि जब तक दुकानें खुलेंगी तब तक पुलिस का पहरा रहेगा। इतनी बड़ी जो घटना हुई है रिलायंस में, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन फुल अलर्ट है। सभी सुनारों की दुकान में जाकर के सभी को अलर्ट कर रहे हैं। हर सुनार को अपने आप भी चौकसी बरतनी चाहिए, जो भी कस्टमर आ रहा है उसको भी चौकसी बरतनी चाहिए। कस्टमर जो हिदायत ये देंगे हम कि अपना सामान सुरक्षित रखे, दुकान के अंदर भी दुकान के बाहर भी। वैसे सभी जगह सीसीटीवी कैमरा है, पर वारदात होने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी कुछ भी काम नहीं आते। बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर संचालिका एक युवती को दो युवकों ने गाली गलौज के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर युवती को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र नूरपुर भेजा। गांव इनायतपुर की रहने वाले विक्रम सिंह की पुत्री सपना गांव मझोला विचोल विलोच में ब्यूटी पार्लर का काम करती है। शुक्रवार को शाम को 5 बजे वो पैदल घर से वापस लौट रही थी, जिसकी वजह से गंगा नहर के पुल के पास वो आ गई। उसी समय पीछे से गांव का ही एक
युवक जो अपने एक साथी के साथ वहां पर पहुंचा हुआ था, रोक करके महिला को गाली गलौज करने लग गया। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसकी सूचना इस वक्त पुलिस को दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है और महिला को अस्पताल में भर्ती कराई है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डॉक्टर साहब, ये जो लड़की के चाकू लगा हुआ मामला आया है, क्या है पूरा मामला बताइए। ये सपना नाम की लड़की है, इसकी उम्र लगभग 20 साल है जी। पिताजी का नाम विक्रम सिंह है जी। ये इनायतपुर के रहने वाले हैं, थाना शिवाला कला में पड़ता है जी। तो इसके चाकू लगे हैं तीन जगह जी, एक पेट में लगा है, दो छोटे छोटे हाथ में लगे हैं जी। तो अभी स्टेबल है, इलाज चल रहा है इसका, ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।